हे गाइस, यूनुस हियर। ले आया हूँ एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन रेड मैजिक 8 प्रो प्लस। इस फोन में सब कुछ मिलेगा। अगर आप गेम के दीवाने हैं तो ये फोन काफी अच्छा है, क्योंकि इसकी प्राइस भी ठीक है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं। इसके अंदर एक खास बात है, 165 वाट का फास्ट चार्जर मिला है, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और बहुत सारी चीजें हैं इस फोन में, गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसकी जो है चार्जिंग टेस्ट करेंगे और इसका गेमिंग टेस्ट भी ज़रूर करेंगे। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर है, एक ही कलर आया है एक्चुअली। तो बाकी चीज़ें जो है इस वीडियो में मुकम्मल करते हैं, तो फिर चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। लेट्स गो। ये है रेड मैजिक 8 प्रो प्लस का बॉक्स, सिल्वर कलर का, काफ़ी शाइन कर रहा है। लिखा हुआ है रेड मैजिक। लेफ्ट साइड में मिल जाएगा विन मोर गेम्स और नीचे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन एलीट गेम। और पीछे जो है काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन है जो चाइनीज़ में लिखी हुई है। बॉक्स को खोलते हुए इसके अंदर कुछ कार्टून्स बने हुए हैं जो स्केचेस हैं, काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। काफ़ी अच्छी लुक दी है इसने ये डिज़ाइन बना के। और ये फर्स्ट लेयर पे आपको मिल जाएगा ये सिम इंजेक्टर टूल, कुछ गाइड पेपर्स हैं। उसके बाद है ये केस। केस को ये टिपिकल केस जैसा नहीं है, काफ़ी शानदार सा केस है। इसके ऊपर लगा के चेक करूँगा मैं, काफ़ी अच्छा केस है इसका। सेकेंड लेयर पे ये हमारा फ़ोन है, फ़ोन को रखते हैं साइड में। उसके बाद है ये टाइप सी टू टाइप सी की ये रेड कलर की चार्जिंग केबल। उसके बाद है ये 165 वाट का ये बड़ा सा चार्जिंग एडाप्टर जो ब्लैक कलर का है। काफ़ी शानदार है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है इस फ़ोन के साथ। ये इतना बड़ा चार्जर दिया है, काफ़ी अच्छा है। ये रेड मैजिक 8 प्रो प्लस का नॉन ट्रांसपेरेंट इसका ये बैक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ये फ़ैन मिलेगा। और राइट साइड पे भी देखो तो यहाँ पे भी एक फ़ैन मिलेगा, दो फ़ैन हैं जिससे ये फ़ोन को काफ़ी कूल रखेगा। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ बटन मिल जाएगा और एक है वॉइस कैंसिलेशन, क्या बात है। ऊपर की तरफ देखो तो भाई आपको ये 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, एक और वॉइस कैंसिलेशन माइक मिला है, एक स्पीकर ऊपर की तरफ है और एक स्पीकर नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपको टाइप सी की पोर्ट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिम लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप दो सिमें लगा सकते हैं एट द सेम टाइम। राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको ट्रिगर्स मिलेंगे जो आप फील नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे दो ट्रिगर्स हैं गेम खेलने के लिए। तो गेम खेलते वक्त आपको किसी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है और आप एक एडवांस फील करोगे। ये ट्रांसपेरेंट केस लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। वेट इसकी है 3.01, हाइट थोड़ी ज़्यादा है 6.46 है और थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा है 8.9 mm है। वेट इसका है 241 grams। और इसके अंदर आप HDMI भी कनेक्ट कर सकते हैं, OTG है और वाईफाई है V5.3। काफ़ी स्पेशल फीचर है इसके डिस्प्ले में, हिडन फ्रंट कैमरा है जो सेकेंड जेन अंडर डिस्प्ले कैमरा टैक है। 6.8 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, कुछ बेजल्स हैं मगर स्क्रीन जो है काफ़ी वाइड है। टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है, 120Hz रिफ्रेश रेट है। गेमिंग को स्मूथ करने के लिए इसके अंदर 960Hz का टच सैम्पलिंग रेट लगाया है, जो एवरेज फोन से काफ़ी ज़्यादा है। 1116p FHD+ रेजोल्यूशन है, 1300 nit पीक ब्राइटनेस है जो पीक ब्राइटनेस से थोड़ी कम है, मगर इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और इसकी स्पीड जो है कुछ ऐसे काम करती है। और इसी के साथ आपको ये फेस अनलॉक डिटेक्शन भी मिल जाएगा। थोड़ी सी स्पीड मुझे हल्की लगी, मगर इस फ़ोन के साथ, गेमिंग फ़ोन के साथ इतनी चीज़ें इन्वॉल्व कर देना वही काफ़ी है। इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। गेमिंग फ़ोन के अंदर आई गेस 6000 mAh की बैटरी आनी चाहिए, मगर इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी आई है। 165 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर है जो प्रमोशन में कहा है ये 15 मिनट में 100% चार्ज कर देगा, मगर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी देर में ये चार्ज करता है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ये एंड्रॉयड का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक है एड्रीनो 740, कोरकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट है जो इस वक्त का सबसे लेटेस्ट है, 3.2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी है। और इस फोन में हाईएस्ट वेरिएंट है 16GB रैम, 512GB का इंटरनल स्टोरेज है, LPDDR5X है। और सॉफ्टवेयर आया है इसका अपना रेड मैजिक OS 6.0, बेस एंड्रॉयड 13 है और इसी के अंदर UFS 4.0 मिल जाएगा।
अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है जो मैंने कहा है आपसे काफ़ी कमाल का लगता है। 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। मैंने कोशिश की कि मैं देखूं इसका कैमरा कहाँ पे, मगर मुझे नहीं दिखा। मुझे काफ़ी पसंद आई है इस तरह की टेक्नोलॉजी और ये होप करें कि ये फ्यूचर में भी काफ़ी सारे फ़ोन्स के साथ आए, क्योंकि बहुत लग्जेरियस था मुझे लगता है ये। बैक कैमरा मॉड्यूल ट्रिपल रियर वर्टिकल है। इसके अंदर सेंसर लगाया है सैमसंग G N5 और इसका अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल का। सेकेंड है अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का और थर्ड है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। रेड मैजिक प्रो प्लस की अगर आप कैमरा सेटिंग देखें तो कुछ ऐसी मिल जाएगी। पहला ऑप्शन है कैमरा फैमिली का, जिसके अंदर मजीद ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। पहला है ये है, अगर हम चेक करें तो कार्टून का इसके अंदर एक ऑप्शन है। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं तो ये कार्टून में ये इसको बदल देगी। फ्रंट कैमरा में भी जो है आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद है प्रो का ऑप्शन। प्रो का ये पिक्चर वगैरह ले सकते हैं आप प्रो की, जिसके अंदर फोकस है, IOS है और मज़ीद इसके अंदर आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर वीडियो में अगर आप जूम करते हैं तो कुछ इस तरह से ये जूम करेगा, पिक्चर में भी ऐसा ही जूम करेगा। उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ का देखें तो ये अल्ट्रा वाइड कुछ ऐसा मिलेगा आपको। उसके बाद है ये 1x, उसके बाद जो है आप मज़ीद इसे जूम कर सकते हैं 10x तक। तो 10x देखें तो अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है मुझे, नॉट बैड राइट। उसके अलावा आप ये फ्रंट कैमरा में भी आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा मुझे इतना ख़ास लग नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 16 मेगापिक्सल आया है, बाकी बैक कैमरा मुझे बेहतर लग रहा है इसका। उसके अलावा आपको ये वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। जो फ्रंट कैमरा है वीडियो का, उसके अंदर आपको जो है ये 1080p आप वीडियो बना सकते हैं। इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि 30fps या 60fps। ये फ्रंट कैमरा का है। अगर बैक कैमरा देखते हैं तो बैक कैमरा में जो है आपको काफ़ी सारा ये वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। 4K, 60fps या 30fps नहीं है, Ultra HD 4K और Ultra HD 8K का भी ऑप्शन है, विच इज़ प्रीटी गुड राइट। इसके अंदर आपको एनकोडर के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। नाइट मोड देखें तो नाइट मोड कुछ ऐसा मिलेगा, अभी तो रात नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं पता चलेगा। आखिरी ऑप्शन है ये पोर्ट्रेट का। पोर्ट्रेट का जो है 1.5 मीटर की दूरी से आप अगर पिक्चर लेते हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं इसका कुछ पिक्चर्स वगैरह वीडियो का सैंपल्स लेता हूँ, तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 1080p। इसके अंदर बताया नहीं है कि 30fps या 60fps का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये फ्रंट कैमरा से अभी ये वीडियो बन रही है तो उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। अभी मौसम जो है बहुत ज़्यादा फॉगी है, मगर फिर भी मुझे जो है फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट इतना ख़ास लग नहीं रहा है। डिस्प्ले में जो है ये अंडर डिस्प्ले में है ये फ्रंट कैमरा, मगर वो तो अच्छी बात है, मगर ये इतना अच्छा इसका फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट लग नहीं रहा है। तो एनीवे ये फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है 60 मेगापिक्सल से। ऑलराइट गाइस, तो ये बैक कैमरा से वीडियो बन रही है, 4K 60fps पे वीडियो बन रही है बैक कैमरा से, और ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको। कलर तो ठीक है, अगर इसे ज़ूम करें तो ये ज़ूम होके जो है वो जब ये स्विचिंग कर रहा है अपने, तो इसमें जो है कलर वगैरह चेंज कर नहीं रहा, जो अच्छी बात है। तो स्पीड देखा जाए तो कुछ ऐसी मिलेगी, और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो वॉक करते वक्त जो है ये रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये तो वीडियो अपलोड करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा इसका वॉकिंग रिज़ल्ट है। तो अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग करते वक्त जो है ये शेक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता चलेगा बाद में। तो अभी मैं ज़ूम करता हूँ। ये 35th फ्लोर है ये सबसे लास्ट, तो ये 10x तक गया है। 10x के बाद जो है कुछ इस स्पीड से ये बाहर आ जाएगा। नॉट बैड राइट। तो ये इसका बैक कैमरा से आप व्लॉगिंग करते वक्त जो है कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है।
अब आई है इसकी प्राइस बताने की आपको। इसके अंदर दो वेरियंट्स आए हैं, एक आया है 12 GB रैम 256 GB, एक आया है 16 GB रैम 512। और इसके अंदर आपको दो अलग अलग प्राइस मिलेंगे, एक ट्रांसपेरेंट वाले के और नॉन ट्रांसपेरेंट वाले के। जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाला है बेसिक वेरिएंट, उसकी प्राइस है 5200 RMB, जिसकी कीमत हो जाती है $750 और पाकिस्तानी कीमत होती है 1,70,000। और जो ट्रांसपेरेंट वाला है उसकी कीमत है 5400 RMB और डॉलर्स बन जाते हैं 780 और उसकी कीमत है 1,75,000 रुपीस पाकिस्तानी। और दूसरी करेंसी के प्राइस आपको पता चल गए होंगे। जितना इन्होंने पैसा इस्तेमाल किया है इसके इसको फ्रंट कैमरा को छुपाने में अंडर डिस्प्ले में, उससे बेहतर तो इसके अंदर एक अच्छा कैमरा लगा दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, नॉट बैड। अगर आपको भी अच्छा लगता है, प्राइस अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो यार वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो। तो नेक्स्ट वीडियोज़ भी आने वाली, इसका पावर, इसका हम गेमिंग टेस्ट करेंगे और चार्जिंग टेस्ट भी ज़रूर करेंगे, तो वो वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।